क्या लिखा हुआ है, देखो, एक कपड़े के व्यापारी है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आधे कपड़े, अब कपड़े कितने हैं हमें नहीं पता है, बस ये बोला है कि आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे हैं, शेष का 40% जो शेष के आधे का आधे जो है वो 40% पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर मतलब कॉस्ट प्राइस पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई है आपको ये बताना है। तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास कपड़े कितने, हमें तो ये भी नहीं पता है, तो यहां से मान लो कि उसके पास कपड़े कितने हैं। तो माना कि उसके पास कपड़े हैं, वो मान लो कितने 100 कपड़े हैं, ताकि आप कपड़ों के हिसाब से इसका आंसर निकाल सको। तो मान लो कितने कपड़े हैं 100 कपड़े। अब वो क्या कह रहा है कि आधे कपड़े 40% लाभ पर, आधे कपड़े मतलब कितना हो गया 50, 40% लाभ पर इसका मतलब कितना परसेंट 140% पे बेचे, क्योंकि 40% लाभ कमाया है तो बेचा कितने में होगा 140। फिर क्या बोल रहा है शेष के आधे, अच्छा 50 कपड़े यहां हो गए तो बचे कितने कपड़े 50 और उसका आधा, तो 50 का आधा कितना हुआ 25। तो ये कह रहा है कि जो शेष है उसका जो आधा है वो 40% हानि पर, अब 40% हानि पर बेचा है तो बताओ बेचा कितना परसेंट में, तो 40% तो नुकसान हुआ है, तो हम बेचा कितने में होगा 60% पे, तो ये हो गया 60% पे। क्लियर, आगे देखो क्या लिखा है, और शेष जो बचे, अब कितने बच गए 50 यहां चले गए 25 यहां चले गए तो बचे कितने 25 और बचे हैं, जो 25 बचे हैं वो लागत मूल्य पर, लागत मूल्य का मतलब होता है कितना 100%, जो कॉस्टिंग होगी वो का वही 100%, ठीक है, बेच दिए। संपूर्ण सौदे में कुल कितना लाभ या हानि है, तो जो इन्होंने बेचा है उसको प्लस करके देख लो कि कितना पैसा इसके पास आया है। तो यहां से देखो 50 से 100 कट गया 2 बार और 2 से ये कट गया 70 बार। फिर आता है 25 से 100 4 और 4 से कितनी बार 15 बार। फिर आते हैं यहां से 25 से कितनी बार 4 बार और 4 से 100 कितनी बार 25 बार, ये हो गया। अब आप देखो सबको टोटल करो तो यहां कितना आया है 70, फिर कितना आया है 15 और फिर कितना आया है 25, तो 25 15 कितना हो गया 40 और 40 और 70, तो 40 और 70 कितना हो गया 110% पर। इसका मतलब है इसके जो 100 कपड़े हैं वो कितने में गए हैं 110% पे गए हैं। तो खुद लाया कितने परसेंट में होगा, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100% और कपड़े बिक कितने में गए हैं 110%। इसका मतलब है इस सवाल में इसको क्या हुआ है लाभ, और कितना लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है कितना 10% का। तो प्रॉफिट जो हुआ है वो प्रॉफिट हुआ है 10% का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखो अगले सवाल में क्या लिखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1360 रुपए है। यदि एक दुकानदार इस वस्तु को 25% की छूट देने के बाद 15% हानि पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये पता करना है। अब आप समझो इस सवाल में नाम किस किस का आया, आपको अंकित मूल्य पता है, आपको अंकित मूल्य पता है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। फिर बात हो रही है कि यहां पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है और 15% की हानि हो रही है। जो बच्चे फॉर्मूला याद रख सकते हैं वो फॉर्मूले से किया करो। मैं फॉर्मूला वापस बता देता हूं, फॉर्मूला क्या था, अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य अपॉन क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस ले, तो यहां जो अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य है यहां पर हानि, इधर हानि है और इधर डिस्काउंट है, और मैंने ऊपर नीचे लिख दिया। चलो अब वापस लिखता हूं, हानि कितनी थी 15%, ये है 85 और ये है 75, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो यहां से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितनी आएगी, देखो यहां पर है 1360 रुपए, फिर यहां से 75 ऊपर जाएगा, 85 नीचे आएगा। तो यहां से देखा जाए अब काटते हैं तो 5 से ये कट गया 15 बार, 5 से कट गया 17 बार और 17 से कट गया 8 बार, 17 8 136 और 15 8 120, इसका मतलब हो गया कितना 1200। तो यहां से जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 1200 रुपए हो जाएगी। तो यहां देखो अगला सवाल और आते हैं। अगला सवाल क्या लिखा है, अगले सवाल में लिखा है ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है। तो ए जो है वो वस्तु बी को बेच रहा है 10% लाभ पर, बी इसे 25% लाभ पर सी को बेचता है, तो बी वापस आगे सी को बेचता है। तो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। यदि सी इसके लिए 6875 रुपए का भुगतान करता है, मतलब सी का प्राइस दिया है, इसको बोलते हैं लास्ट प्राइस, अंतिम मान, और पूछा है तो ए ने इसे किस मूल्य पे खरीदा था, मतलब प्रारंभिक मान। तो अगर आपको पता हो तो जब भी कभी वस्तुएं आगे से आगे बेची जाती है तो एक बेसिक फॉर्मूला काम करता है, स्टार्टिंग वैल्यू प्रारंभिक मान। जब भी वस्तुएं अगर प्रॉफिट में, लाभ में बेची जाए तो प्लस, हानि में बेची जाए तो माइनस। 100 + -a/100 लिखो। अगर वस्तु और आगे बेच रहे हो तो 100 ± b लिखो अपॉन 100। अगर आप और वस्तु आगे बेच रहे हो तो 100 ± c, ऐसे करते जाओ जितना आप बेचना चाहते हो उतना। और इसमें होगा ये लास्ट में अंतिम मान। अगर आपको ध्यान हो तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ऐसे नहीं करें तो अभी देखो पूरी मैथ्स में कहीं पर भी परसेंटेज, लाभ, आने, डिस्काउंट, कहीं पर भी अगर वस्तुएं आगे से आगे बेची जा रही हो तो वहां सब जगह ही आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। अब देखो ए ने बी को बेचा तो ए के पास स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी हमें नहीं पता, मान लो एक्स थी। अब उसने बेचा 10% लाभ पर तो 100 + 10 = 110 बटा 100 कर दो। अब बी ने जब सी को बेचा तो 25% उसने क्या किया, लाभ पर बेचा है तो 25% लाभ मतलब 100 में 25, ना कि 110 में 25, 100 में 25 अलग से वापस, तो 125 बटा 100। और अब अंतिम मान आपको पता है 6,875, ये दे रखा है। अब आपसे पूछा है ए की यहाँ की प्राइस बता दो, तो संख्या सारी उधर भेज दो फिर काट दो। और अगर आपको लगे कि यहीं काट देते तो भले यहीं काटो, जैसे 25 से काट देते हो 5 और 25 से काट दिया कितनी बार 4, फिर यहाँ से 0 और कट गया और 5 से 10 2 बार और कट गया। अब जो बचा हुआ है उधर उधर भेज दो तो एक्स बराबर उधर कितना बचा है 6,875, इधर क्या क्या बचा है नीचे 2 और 4 तो 2 × 4 कितना 8, ये जाएगा कहाँ ऊपर, ये हो गया 8 ऊपर। फिर है यहाँ ऊपर कितना बचा है सिर्फ 11, वो 11 नीचे आ जाएगा। अब इसको हम इससे काटें तो 11 से कितने बार कटेगा 6 बार, तो 66, 66 के बाद कितना 27, 27 वाला 2 और 5, ये हो गया। अब इसका 8 से गुणा करो तो 8 × 5 = 40 हासिल 4, 16 × 4 = 20 हासिल 2 और 8 × 6 = 48, 48 और 2 कितना हुआ 50। इसका मतलब इसके प्राइस कितने हो गई 5,000। तो ए ने किस मूल्य पे खरीदा था, तो ए के पास वो 5,000 की वस्तु थी, लेकिन जब वो आगे से आगे बेचते गए तो लास्ट वाले ने कितने में खरीदी है 6,875 में खरीदी थी। क्लियर।